की संसद पे चल रही उन मुद्दों उन बहसों पर आम लोगों की राय क्या है। तो आप लोग देश की संसद को सुन रहे हैं? आम देश के सुनने। तो जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान बचाने को लेकर, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का, नौजवानों का, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग विपक्ष के? अभी तंग है सब, आप उससे आगे करोगे तो फायदा होगा। जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और जनता के और गरीबों के हित की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अब तो बहुत सारे उनके अंश निकाल दिए गए। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू हैं, हिंदू के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषांगिक संगठन नहीं है, इस पे आपत्ति है। तो इसमें जो भी कुछ राहुल गांधी या अखिलेश जी कर रहे हैं या संसद में जो वो बोल रहे हैं वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए और नौजवानों के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, देखिए हम लोग आपके यहाँ इसलिए आए क्योंकि लोग बड़ा इस बार संविधान बचाने की चर्चा हुई, कहे कि जो 400 सीट आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस बार हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। समाजवादी पार्टी को सीटें मिली, तो संविधान को लेकर आप लोग, क्या आपको लोग को लगता है कि वाकई में संविधान और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो विपक्ष हवा फैला रहा है उसमें सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई ही। अगर ये भाजपा वाले अपने बहुमत से जीत जाते तो वास्तव में संविधान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ जरूर कर देते। बदल देते इनकी वास आती तो पूरी वास तो ये बदल देते बिल्कुल यार। लेकिन सरकार तो देखिए कही कि आपातकाल देश में कौन लगाया? कांग्रेस ने लगाया। संविधान को सबसे ज़्यादा तोड़ा कांग्रेस ने, तो वो इसका जवाब आपातकाल से दे रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि संविधान क्यों बदल देते, जब भाई केंद्र सरकार लोग कह रहे हैं कि आपको 5 किलो अनाज दे रही है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, तो फिर ये जो से देश की संसद में जो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, इसमें लोग करें कि आम जनता भरोसा नहीं करती है, तो इसी देखो, देखो नाज से कुछ नहीं हो तो ये बालकन की जिंदगी बेकार है। जो ये बालकन लगने से ये किंगे के भी नहीं है ना, गरीब आदमी को लग रो नहीं कुछ नहीं। अब क्या करेगा गरीब आदमी? या नाज सुई थोड़ी पर लगो, देखो जो आदमी कहीं लग जाएगा बालक को गरीब को तो सहारा लग जाएगा। अब क्या आदमी सहारो को क्या करेगा? नाज सुई थोड़ी सहारो होगा गरीब का, नहीं तो कभी पढ़ पाएगा इतना या ना सुनी पड़ेगा। इतनी महंगाई हो रही है, गरीब का क्या खरीद लेगा? बहुत महंगाई हो रही है। अब सोनो है, गरीब कैसे कर लेगी शादी? कहाँ सोना पहुँच रहा, गरीब पत नहीं है बस की कुछ भी महंगाई। देखो सबसे पहले हिंदुस्तान में, भारत में जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं भाई, उनके बारे में सोचे सरकार। भाई जब नौकरी नहीं मिलेगी तो ये बारह बट रहेंगे। रही बात संविधान छेड़खाड़ करने की, संविधान इनकी खुद की जागीर तो है नहीं, ये तो बाबा साहब ने लिखा है। अब से पहले किसी ने नहीं बनाया और ना आगे को कोई बना सके संविधान को। जो बाबा साहब ने लिख दिया ये तो अटल है, इसमें छेड़खानी कैसे हो सकती है? वही तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री जब संसद में गए तो संविधान को उन्होंने प्रणाम किया, तो इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं कि जो विपक्ष कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है, अगर उन्हें बदलने किसानों की, का हाँ, मुद्दा, अगर वे संविधान को बदलते तो इसके सामने झुकने की उन्हें क्या जरूरत थी बताओ? जब उन्होंने सरकार बनाई, पीएम मोदी जी जब तिवारी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तब सबसे पहले संविधान को ही सर झुकाया उन्होंने। अगर बदलेगा तो देश को नाश हो जाएगा, बेड़ो गर्क होने बेड़ो गर्क जरूर होना अगर संविधान को बदलेगा तो। नहीं, ये तो विपक्ष बार बार कहता है, वो लोग सरकार तो करे कि डर फैलाया जाता है कि संविधान बदल, संविधान कैसे कोई बदल सकता है। हम लोग तो इसलिए आपके बीच में आए हैं कि जो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, किसानों का, उनके फसल के दाम का, तो ये सब जो मुद्दा, आवारा पशु का, तो ये सब जो मुद्दा है आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्या विपक्ष आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहा है या फिर अपनी राजनीति कर रहा है? जुड़ा है, ये
विपक्ष जो अच्छी बात कर रहे हैं। सिलेंडर 800 रुपया खर्च इतने महंगा है, कहाँ से गरीब भरवा लेगा वह सिलेंडर? दुनिया भर को महंगाई है सिलेंडर पे। हाँ 820 को आर अधिक है, अब इतनी महंगाई है कौन कर लेगा गरीब आदमी? हाँ वो महंगाई इतनी कर रखी है, कहाँ से गरीब आदमी पल लेगा? गरीब के तो ऐसा पे भूखो ही मरेगा गरीब तो। अब सुहा के नू इतनी महंगाई हिले है नहीं किसी में, भूखो ही मरना हो यू तो गरीब आदमी तो। हाँ जी, यहाँ कोई तैयारी करने वाले हैं आर्मी वाले? कोई दौड़ते हैं इधर लोग? नहीं, अच्छा तो शाम को। अच्छा आप भी देखती हैं टीवी वगैरह देखती हैं आप? हाँ टीवी ना। अच्छा हम लोग तो यही पूछ रहे हैं कि ये देश की संसद में या देश में ये बेरोजगारी महंगाई ये सब का लोग उठाते हैं, बोलते हैं कि ये देश में बेरोजगारी महंगाई है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कैसे सोचती हैं किसानों के बारे में? हाँ हम तो ये जो हमें क्या सब चीज़ मंदी हो जानी चाहिए, किसान भी तो जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जब खेती क्यारी में जो सामान जी इतना महंगा मिलेगा तो कैसे कर लेंगे आगे को? अब नू बताओ एक बच्चे पढ़ा में लाखों रुपया खर्च हो जाएं, अब वहाँ पढ़ा लिखा का बच्चे नहीं डोलें तो बताओ आगे कैसे उन्नीत हो जाएगी? हो जाएगी उन्नीत? किसी पर चार चार लड़कियाँ तीन तीन लड़कियाँ कहाँ से करेंगे वे, जिन पर जमीन ना जायदाद ना कुछ भी नहीं है। तो सरकार तो करे कि आपको पहनने के लिए कपड़ा दे रही है, खाने के लिए अनाज दे रही है। कपड़ा 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 पोशाक योजना तो है ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए लाडली योजना है कि अगर बेटी की शादी है तो उसको पैसा अब लगा लो। अब जिन बाल करने इंटरव्यू वैसे भी करी है कहा मिला कुछ भी ना मिला, पर युवा के जो पढ़ाई में भी बहुत पैसा लग जा, योजना तो बाद में ही लगे, पहले तो पैसा ही लगे घर से। आपके बच्चे क्या करते हैं? बीएड करे डोले हैं, बीए करे लड़की डोल ली है, एक ने अब 77% सुबह आर्मी इंटर करिए पास। अच्छा बीए में? हाँ बारहवीं में 77 बारहवीं में इंटर में। हाँ अच्छा तो परीक्षा वगैरह दे रही है वो? अभी तो ना मिला रिजल्ट। अच्छा ये बड़ा चर्चा है कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर भी लीक हुए हैं, पुलिस में दिया एक लड़की ने हमारी ने वो लीक कर दिया बीच का पेपर जिसमें आसी बालकन की। तो ये पेपर लीक है सही में हो रहा है या ऐसे ही जानबूझ के सब नेतागिरी करता है? लीक ये तो नहीं सुनने हम तो, अब हमें कहा पता हम का वहाँ बैठे हैं, वो तो लीक ही कर दिया बीच में बच्चों का सारा पेपर। अच्छा। जो तैयारी करके बालक नहीं रह गए। अच्छा ये जो मोदी जी की सरकार है और यहाँ योगी जी की सरकार है वो आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? सही कर रहा अब तक तो आगे पता चला, अब भी नू तो आगे सुनने में सही आ रही है, सही कर रहा नू तो इसमें तो कोई दोहरा ना, पर बात यह है कि एक जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको तो जरूर कुछ ना कुछ काबिल होने चाहिए पढ़ लिख के जो डोलने, वैसे तो सरकार तो सही कर रही है गलती भी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जानती हैं आप? जाने है। कैसा नेता है लोग सही बता मैं इन्हें भी वैसा था सही बता है। अरे तो सब कुछ जिनके राज में कांग्रेस आई वही बता मैं, अब हमारे आ गए तो उनकी नारी। आप लोग दौड़ते हो? आप दौड़ते हो इधर? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रत्नेश। रत्नेश।